हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। मेरे पिता का महान है, दयालु है, ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रियजन दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में, बीमारी में ग्रस्त हो, तो आज आपको परमेश्वर से बताना, उस महान परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। जो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे हृदय की, तेरे मन की बातों को जानता हूँ। तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर से बताइए। मेरे प्रियजनों, आज बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, चिंताओं में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बोझ में ग्रस्त रहते हैं, बीमारियों में जकड़े रहते हैं, लिप्त रहते हैं। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको यहोवा जुलाहर से बताना है। उस परमेश्वर से बताइए जो महान परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सेनाओं को यहोवा है, जो सृष्टिकर्ता मालिक है, जो अल्फा ओमेगा आदि और अंत है। मेरे प्रियजनों, यदि दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, कुछ भी समस्या है, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, यीशु मसीह से बताइए। यीशु मसीह से बड़ी बीमारी कुछ नहीं है। अगर आपको कैंसर है, गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ, पथरियाँ हैं, बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है जो महान परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो राजाओं का राजा है, अंधों को आँख देने वाला है, लंगड़ों को टांगे देने वाला है, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। उससे बोलो जो आपकी समस्याओं को खत्म कर सकता है, दूर कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरे हृदय की बातों को जानता हूँ। तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या आवश्यकताएं हैं, मैं जानता हूँ। मैं क्यों ना दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारा देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु ने कहा है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएंगे। मेरे पिता, इनको दीजिए। मेरे प्रियजनों, पिता से मांगिए। अभी समय है, अभी वक्त है, अभी टाइम है, मांग लो। समय चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, तो आप क्या करोगे? अभी मांगो, 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 मांगो परमेश्वर से। अभी मांगने का टाइम है, पुकारने का टाइम है, उस महान परमेश्वर से, उस जीवित परमेश्वर से। आज बोल दो, आज बोल दो, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या जरूरतें हैं। आज आपको बोलना है, आज आपको बोलना पड़ेगा परमेश्वर से। जब हम बोलेंगे, यीशु ने कहा है, तू संदेह ना कर, तू कुछ भी मुझसे मांग और विश्वास कर ले और प्रतीति कर ले, और तेरे लिए हो जाएगा और वैसा ही हो जाएगा। यीशु मसीह से मांगो, परमेश्वर से मांगो। आज लोग मनुष्य से मांगते रहते हैं, इंसानों से मांगते रहते हैं। बाबा 2 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे, बाबा 100 रुपये दे दे। आज इंसानों से लोग मांगते रहते हैं, आज लोगों से मांगना बंद नहीं करते हैं। अरे मांगना है तो परमेश्वर से मांगो, जो देता है कभी वापस नहीं लेता है, जो देता है कभी मांगता नहीं है। उस महान परमेश्वर मांगो, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह, उसकी आशीष से अपरंपार हैं, हमेशा की हैं, सदा की हैं, जो कभी नाश नहीं होती। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर से मांगो, यीशु मसीह से मांगो, जो परमेश्वर आपको दे सकता है वो दे सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं अपने विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जो मेरे पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूँ, वे मेरे लोग हैं, वो मेरे बेटे और बेटियाँ हैं। मैं उनके मन से, मांगने से पहले मन की बातों को जानता हूँ, उन्हें क्या चाहिए, क्या इच्छाएँ हैं, क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या जरूरतें हैं, वो परमेश्वर जानता है। बोलो आज परमेश्वर से, आज बोल के देखो, आज परमेश्वर आपको देगा। अपना स्वर्ग छोड़ के, अपना सिंहासन छोड़ के परमेश्वर आपके पास चलाएगा। विश्वास है कि नहीं है चर्च? मेरे प्रियों, इस प्रार्थना को आग बंद करके सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है? चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवितों के बीच में, मेरे पिता, जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे पिता,
इसके लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे पिता। वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे प्रभु जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगानुग उतरते मेरे परमेश्वर। जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, आपने कहा है मैंने तुझे माता की गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तेरा नाम चित्र तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद के बना लिया है, लिख लिया है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, तू बेटे मेरा है, यीशु ने कहा है। मेरे पिता प्रार्थना करते मेरे पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास फोन पे मोबाइल पे सुन रहे पिता, जो विश्वास के साथ आमीन बोल रहे हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं, सच में मेरे पिता उनके बंधन टूट जाए मेरे पिता। जो बीमार है गिल्टिया रसोलिया पथरिया कैंसर डेंगू मलेरिया बुखार में लिप्त है मेरे पिता, वे नहीं चंगे निया जादू रूपए आज से यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए, उनका घराना आजाद हो जाए। हर एक बीमारी की स्प्रिटों को मैं डांटता हूँ, ऐ गंदी स्प्रिटो छोड़ो और भाग जाओ उनके जीवन से, हर प्रकार की बीमारियां जाएं, दुष्ट आत्माएं जाएं मेरे पिता। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे जो बेड पर पड़े हैं मेरे पिता, हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर आज ही आजाद हो जाएं। आपका चंगाई वाला हाथ, दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ मेरे परमेश्वर, वो अनुग्रह वाला हाथ, वो सामर्थ्य हाथ मेरे परमेश्वर, हर एक जनों को पिता टच करें मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाएं। ओ पवित्र आत्मा जी आप आजाद कीजिए मेरे परमेश्वर, आजाद कीजिए पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, हर बीमारियां जाएं, गिल्टिया रसोलिया पथरियां डेंगू मलेरिया बुखार कैंसर सब जल जाए जाए। पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे पिता आपके नाम से मांगते ढूंढते खटखटाते इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, ये मसीह भाई बहन आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, ओ स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय सामर्थ टच करने पाए मेरे परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते जिन घरों में दुष्ट आत्मा है, काला जादू के बंधन करा धरा के बंधन पिता, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा व्याप्त है, लड़ाई झगड़ा नहीं बंद हो रहा, पति पति में लड़ाई झगड़े होते पिता, बच्चों में लड़ाई झगड़े होते, परिवार में फूट भी दर में डाय मतवालापन मेरे परमेश्वर, हम चाहते मेरे परमेश्वर हर एक गंदी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जो जादू टोना के बंधन है, करा धरा के बंधन है, ऐ गंदी आत्माओं, ऐ दुष्ट आत्माओं, इनके जीवन से, इनके घरों से छोड़ो और भाग्य समस्या के नाम से, छोड़ो और भाग्य समस्या के नाम से मेरे परमेश्वर आजाद हो जाए, इनका घराना आजाद हो जाए, इनका घराना आज ब्लेस्ड हो जाए, इनका घराना आज ब्लेस्ड हो जाए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे परमेश्वर आजाद हो जाए, आज बीमारियां जाए, जादू टोना जाए, करा धरा के बंधन जाए, घर से लड़ाई झगड़ा जाए जाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता उन भाई बहनों के लिए पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं थे मेरे पिता, पिता जिस प्रकार से अपने सारा को बच्चे देते उम्र में पिता, हम चाहते हैं पिता 90 वर्ष की आयु में जिस प्रकार से अपने सारा को बच्चे दिए थे, वही वचन अधिकार के दौरान बहनों के जीवन में आदेश देते हैं, उनकी कोखे बंद पड़ी हैं, इन्हें बच्चे की आशीष नहीं मिली मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं बच्चे की आशीष दीजिए, बच्चे की आशीष रिलीज हो जाए स्वर्ग से, बच्चे की आशीष ट्रांसफर हो जाए मेरे परमेश्वर, या आजाद हो जाए बहने, हर एक दुष्ट आत्माओं का पैरा काट डाला जाए, दुष्ट के बंधन काट डाले जाए मेरे परमेश्वर। जो गरीब है, जो लाचार है, जो कमाने ले पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता उधर उधार ले रहे पिता, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे मेरे पिता, मांगते ढूंढते खटखटाते इन तमाम मसीह भाई बहनों के पिता, इनकी गरीबी तंगी परेशानी दूर हो जाए आज इस मसीह के नाम से, दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो मसीह भाई रात में नहीं सो पाते, डर लगता भलगता, पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब की नींद आएगी। पिता मुझे आशा विश्वास है अपने प्राणों को सुनाए, छोटे से मुझे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।